नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मैं हूं आप हैं टेक्निकल अच्छा यूट्यूब चैनल। दोस्तों को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं IRCTC ई वॉलेट में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसका अकाउंट आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और इसमें पैसे कैसे डाल सकते हैं, पैसे डालकर आप टिकट बुक करते समय इसको कैसे यूज कर सकते हैं IRCTC ई वॉलेट को। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उस समय जब हम पेमेंट करने लगते हैं ना, तो पेमेंट हम किससे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI से। अब मान लो हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें कार्ड नंबर डालना है, नाम डालना है, CVV डालना है और उसका एक्सपायरी डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद सेंड करेंगे, फिर मोबाइल नंबर पे जो बैंक से लिंक होगा उस पे OTP आएगा, वो OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर जाके पेमेंट होता है। तो इतनी देर में क्या होता है, तत्काल टिकट ख़त्म हो जाता है, हमारा तत्काल टिकट नहीं बुक हो पाता है। और कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट कर देते हैं और पैसे तो कट जाते हैं लेकिन टिकट बुक नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पैसा है वो रिफ़ंड तो मिलता है लेकिन 3 से 5 दिन के बाद में रिफ़ंड मिलता है, हमें पैसा वापस मिलता है। तो अगर आप IRCTC ई वॉलेट को एक्टिवेट कर लेते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, IRCTC ई वॉलेट से आप पेमेंट करते हैं टिकट बुक करते समय, तो आपका पेमेंट जो है वो बहुत ही फास्ट होगा और आपका तत्काल टिकट हो या नॉर्मल टिकट हो आसानी से बुक हो जाएगा। मान लो कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेमेंट कट गया और टिकट नहीं बुक हुआ तो पैसा भी बहुत जल्दी रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको फटाफट बिना ज़्यादा बकबक किए वीडियो शुरू करते हैं, आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप IRCTC ई वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसमें फंड कैसे, पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, IRCTC.co.in इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करना होगा। वेबसाइट को मैं ओपन कर लिया हूं। अब यहां पे देखिए प्रोफाइल वाले आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे राइट साइड में। उसके बाद यहां यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे, अपना अकाउंट जो है IRCTC का लॉगिन कर लेता हूं मैं। यहां यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया हूं, यहां पे कैप्चा डालना है। कैप्चा देखिए यहां पे लिखा हुआ जो लाइन में EQFK लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइन में लिखा होता है, ये कभी कभी बदल भी जाता है, दूसरी तरह के लिख के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल के साइन इन कर लेते हैं। अब लॉगिन हो चुके हैं, हम साइन इन हो चुका है हमारा अकाउंट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 लाइनें बनी हैं, सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए IRCTC एक्सक्लूसिव जो IRCTC है इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली IRCTC एक्सक्लूसिव इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए IRCTC ई वॉलेट का पहला ऑप्शन मिलता है, IRCTC ई वॉलेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन मिला है, IRCTC ई वॉलेट अबाउट जो है और IRCTC ई वॉलेट यूजर गाइड, IRCTC ई वॉलेट रजिस्टर नाउ एंड एक्टिवेट, दो ऑप्शन। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई आपका जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए। तो आधार कार्ड वेरीफाई कैसे करते हैं, हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, सिर्फ पासवर्ड आपको एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपने मर्जी से क्रिएट करना है, पासवर्ड वही पासवर्ड दोबारा कन्फर्म करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पासवर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए दोबारा से, ई वॉलेट जो है रजिस्ट्रेशन अकाउंट अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं दोबारा से लॉगिन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि क्या आता है। अपना वही यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के साइन इन कर लेंगे, लॉगिन हो गया। यहाँ दोबारा हम यहाँ लेफ्ट साइड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद IRCTC एक्सक्लूसिव और IRCTC वॉलेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, पहले 2 ही 3 ऑप्शन थे, अभी कई सारे ऑप्शन हैं। तो सिंपली क्या करना, IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट, IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट का एक ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर हम पहले क्लिक करेंगे, इसमें पैसे डालेंगे। तो IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए IRCTC वॉलेट में डिपॉजिट करने के लिए आप यहाँ पे 100 रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 एक बार में आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैसे डाल देते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं डिपॉजिट उतना इसमें डाल देंगे। यहाँ हम डाल देते हैं 500 या 400, जो भी 400 डाल देते हैं, 400 यहाँ डालेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे, यही अमाउंट दोबारा डाल देंगे यहाँ पे 400 यहाँ डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नीचे। नहीं, पहले यहाँ पे अपना जो है पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हम UPI सेलेक्ट करते हैं, भीम UPI से पेमेंट करेंगे। अब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आप अपने मर्जी से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। ऊपर UPI सेलेक्ट करता हूँ और मेक पेमेंट, नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये पेज खुल के आता है, यहाँ पे अगर हम पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे, हम UPI सेलेक्ट किया UPI से करेंगे, UPI नीचे UPI सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद UPI आईडी अपना डालता हूँ फ़ोनपे वाली,
और उसके बाद पे करता हूँ। अब हमारे फ़ोन पे रिक्वेस्ट चला जाएगा, यहाँ रिक्वेस्ट आ चुका है, इसे हम पे कर देंगे अपना पासवर्ड पिन डाल के, ठीक है, और हमारा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। अब देखिए पेमेंट करने के बाद में आपको बैग नहीं करना है, यहाँ अपना UPI पिन डाल के हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, पेमेंट डन हो गया। अब इसे हम बैक नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से मिनिमाइज करेंगे, पेज को इसे कट करेंगे और दोबारा बैक कर उसी पेज पे आएंगे, ये इस तरह से आइए ऑटोमेटिक बैक करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक या रिफ्रेश नहीं दबाना है। अब यहाँ देखिए इसमें एरर आ चुका है और यहाँ पे अब कह रहा है लॉग इन कीजिए, तो हम यहाँ होम पर क्लिक करते हैं, होम पेज पर क्लिक करते हैं IRCTC की वेबसाइट पे, और दोबारा से हम अपना जो है लॉग इन पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी कैप्चा डाल के पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन हो चुके हैं, IRCTC एक्सक्लूसिव पर क्लिक करते हैं, उसके बाद वॉलेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिपॉजिट किया, अभी हम हिस्ट्री पर जाते हैं डिपॉजिट हिस्ट्री पर, और यहाँ डिपॉजिट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि हमारा जो 400 रुपये ये डिपॉजिट हो चुका है, यहाँ डेट लिखा हुआ है, ठीक है, कब डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 जुलाई 400 रुपये हमारे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ रिफंड स्टेटस और सारे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह। तो इस तरह से इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आपको एक टिकट बुक करके दिखाते हैं, मतलब पेमेंट करके, कि इसको इससे पेमेंट कैसे किया जाता है IRCTC वॉलेट से। तो यह हम मान लो पैसेंजर सेलेक्ट करते हैं और टिकट बुक करते हैं, पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पेमेंट वाला ही ऑप्शन दिखाते हैं, प्रोसीड करता हूँ। पेमेंट ऑप्शन यहाँ वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पेमेंट जो है ऑप्शन है इसमें वॉलेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे IRCTC सेलेक्ट करेंगे, IRCTC है। अब यहाँ देखिए IRCTC में हमारे पैसे कितने अवेलेबल हैं, 400 रुपये हमने अभी डाला था, 400 अवेलेबल हैं। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको एक OTP आ जाएगा, OTP सेंड नहीं करना है, OTP अपने आप तुरंत आ जाएगा, और OTP डालेंगे, पे पर क्लिक करेंगे, फट से पेमेंट हो जाएगा आपका वॉलेट से, ठीक है। वॉलेट में उतना पैसा होना चाहिए जितना आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ 97 रुपये है टिकट का प्राइस, तो यहाँ पे करेंगे तुरंत पेमेंट हो जाएगा, हमारा टिकट बुक हो जाएगा, चाहे तत्काल हो चाहे नॉर्मल हो। और यहाँ पे अभी हमें टिकट बुक नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाना चाहता था। तो इस तरह से आप IRCTC वॉलेट को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज के इस वीडियो इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।